नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप डॉट कॉम। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, इसमें दिखाई दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब इनके बारे में तो क्या ही बताएं, सब जानते ही हैं। उनके साथ में कुछ बुर्का पहनी हुई महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं और पीछे देख के लगता है ये किसी एयरपोर्ट का सीन है। इस फोटो के साथ में कई सारे मैसेज शेयर हो रहे हैं, कुछ हम आपको बता देते हैं। एक लिखा हुआ है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले कट्टर हिंदू नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी सगी बेटी और नवासी को हज पर रवाना करते हुए, लेकिन इससे आपको क्या, आप तो अपना हिंदू मुस्लिम जारी रखो। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बहुत हिंदूवादी बातें करते हैं तो उनके ऊपर अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दूसरा मैसेज चल रहा है कि हज से संबंधित एक ऐसी फोटो मिली है जिसको देखकर भक्तों की तपस्या भंग हो सकती है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले कट्टर हिंदू नेता हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी सगी बेटी और नवासी को हज पर रवाना करते हुए। अब बात करते हैं शेयर किसने किया। चंदन प्रतिहस्त नाम के एक फेसबुक यूजर हैं, इन्होंने इस पोस्ट को अपने आईडी से अपलोड किया। इसे 20,000 बार से ज़्यादा शेयर किया जा चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर केस में हिंदू संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी कर रहे हैं, साथ ही कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जो थोड़े विवादित भी होते हैं। इसकी वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेटी और नवासी को हज यात्रा पर रवाना कैसे कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी की दो बेटियाँ हैं, एक का नाम है सुहासिनी हैदर और गीतांजलि स्वामी। सुहासिनी ने एक मुस्लिम से शादी की है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। गीतांजलि स्वामी ने हार्वर्ड से MBA और बार्कले यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की हुई है। सुहासिनी हैदर दी हिंदू अखबार जो है उसकी डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हैं। लेकिन जब हमने इन दोनों के चेहरे को इन महिलाओं के चेहरे से मिलान किया तो एक भी महिला की शक्ल इन दोनों से नहीं मिलती है। ऐसे में यह दावा तो एकदम गलत है कि इन महिलाओं में कोई भी सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है। अब बात करते हैं इस फोटो की। इस फोटो को क्लिक किया है जगदीश शेट्टी ने। जगदीश शेट्टी विराट हिंदू संगम नाम की एक संस्था के महासचिव हैं। उन्होंने इस फोटो को अपने ट्विटर पर अपलोड किया था। जब यह फोटो गलत मैसेज के साथ में वायरल होने लगा तो जगदीश शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह फोटो बेंगलुरु एयरपोर्ट की, हैदराबाद की नहीं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 4 मई को खींचा गया था। यह फोटो स्वामी जब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे तो कुछ महिलाएं आ गईं, उन्होंने जिद किया कि स्वामी के साथ उन्हें फोटो खिंचवानी है, तो स्वामी ने उनके साथ में फोटो खिंचवाया। किसी के साथ में भी फोटो खिंचवाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारी पड़ताल में फोटो में दिख रही महिलाओं में से कोई भी महिला सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी नहीं निकली। साथ में जो मैसेज चलाया जा रहा था कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर ऐसा हुआ तो एयरपोर्ट बेंगलुरु का निकला, और इस फोटो का सुब्रमण्यम स्वामी का हज यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास में भी इस तरह की कोई फोटो आती है, वीडियो आता है, मैसेज आता है तो आप उसे हमारी ईमेल आईडी lallantopmail@gmail.com पर भेज दीजिए। हम पड़ताल करके आपको बताएंगे कि वो सही है या गलत है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए दी लल्लनटॉप के साथ में। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे थे और आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।